मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना आज आपको बताऊं। हम सब ना अपने अंदर बड़े बड़े अनसॉर्टेड हैं, प्रॉब्लम्स में हैं, अपने अंदर उलझे हुए हैं, लेकिन कभी कभी होता है कुछ एनर्जीज ऐसी होती हैं हमारी ज़िंदगी में, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे अनसॉर्टेडपन को ना सॉर्ट कर रहे होते हैं। हमारी बस वो एनर्जीज अलाइन होती हैं और चीज़ें सही होने लगी होती हैं, हमारा मूड, हमारी बातचीत, हमारा सब कुछ। और लेकिन कभी कभी हम इतने अनफेमिलियर होते हैं उन सब कुछ ओके के साथ, यानी सब कुछ ठीक हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, हमें अच्छा लग रहा है, कि हम बहुत जल्दी उससे बोर हो जाते हैं। बिकॉज उस उलझेपन की हमें इतनी आदत होती है कि उसमें जब चीज़ें सॉर्ट होने लगती हैं तो हमें लगता है कि ये तो क्या हुआ, ये ज़िंदगी वो ज़िंदगी तो नहीं है जिससे मैं मानूस हूँ। और हम इवेंचुअली क्या करते हैं कि उन पॉजिटिव एनर्जीज़ का रास्ता रोक देते हैं। ये जब पॉजिटिव एनर्जीज रुकती हैं ना, तो ये कहीं ना कहीं उस दूसरी एंड के लिए भी एक प्रॉब्लम बन जाती है, उसकी वजह कि वो जो सिंकिंग है ना, वो कहीं दूसरे के लिए भी पॉजिटिव रोल प्ले कर रही होती है। बिकॉज एट द एंड दूसरी तरफ भी हो सकता है वो जो एनर्जी का फ्लो है वो एक रब्त कायम कर रहा हो। हम जब ये चीज़ करते हैं ना, तो हम इस चीज़ को भूल जाते हैं कि ये रब की बड़ी अनायत है कि ऐसी एनर्जीज आपको इस दुनिया में, इस हसल बसल वाली दुनिया में मिल जाए, और जहाँ किसी को किसी की परवाह नहीं है, वहाँ पे कोई रुक के आपके बारे में सोचे, आपकी परवाह करे।